अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, कोरोना को आप हल्के में नहीं ले सकते, भले आपके मन में इसके लिए गुस्सा है। मैंने एसआई वाले वीडियो में भी बताया, जो साथी एसआई के कैंडिडेट, उनको आप कोविड को हल्के में मत लीजिए सर। आप सब अपनी आंखें उठाकर देखिए, आपको दिखेगा कि इस कोरोना ने कितना नुकसान किया है। पिछली बार आपने देखा है लाशें कैसे तैर रही थी, और ये बीमारी फिर से हम सबके बीच में आ गई है। आप देखिए, किसी का ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके रिश्तेदार में कहीं ना कहीं आपके कोरोना ने एकाध हानि नहीं की हो। तो ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हैं इस चीज़ को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। क्या होगा अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर आपके एग्जाम्स रिजल्ट के बाद आपको एक अलग ही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप सब जो है ना, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, कोविड को हल्के में मत लीजिएगा। कोरोना बिल्कुल भी हल्की चीज़ नहीं है। प्रॉपर अपना हाथ सैनिटाइज करके रखिएगा। ये चीज़ें मैं आपको अपनी व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा व्यू ऑलरेडी आपको पता है बढ़ चुका है, जितना आपको देखना था देख चुके हैं, तो अब क्यों बोलूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब अगर मुझसे जुड़े हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो हो सकता है जिन चीज़ों पर आपकी नज़र नहीं जा रही है, ये मेरा दायित्व है कि अगर मैं आपसे जुड़ा हूँ तो उन चीज़ों पर भी आपकी नज़र एक बार डाल दूँ। तो कोरोना को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर जगह देखिए, ये जो वायरेंट है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं छोटे भाई को, सुमित को बोलूँ कि एक दिन वो आए और इसके बारे में एक ब्रीफ चर्चा दे। आपको पता है, छोटा जो है मेरा सुमित, जो आप सबका छोटा भाई है, डॉक्टर है, तो मैं चाहूँगा कि उसको भी एक बार लेके आऊँ। उसके एग्ज़ाम्स हैं 17 तारीख से, इसलिए वो थोड़ा सा बिजी है, पर मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ और आप सबको एक ब्रीफ गाइड दूँ कैसे बचना है। लेकिन इम्यूनिटी को बूस्ट रखें, इतना सब तो सबको पता है कोरोना से कैसे बचना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोविड का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि सरकार के लिए कोविड नहीं है, इलेक्शन के लिए कोविड नहीं है, ठीक है भाई, वो उनका काम है, लेकिन हमें भी तो अपने आप को बचाना है। चलिए, अब इससे इसके रिगार्डिंग अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 15 जनवरी के लगभग मान के चलिए कि आंसर भी आने की संभावना है, कि 15 जनवरी तक तो अभी हाईकोर्ट ने कोविड गाइडलाइन जारी करके रखी है, तो ये डेट एक्सटेंड हो सकता है। आगे भी परिस्थिति अगर बिगड़ेंगी तो ऐसा हो सकता है। हालांकि NTA का अगर परमिशन हो गया क्लियर तो जल्दी दिया जाएगा। जैसी भी होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप परेशान ना होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड में आप सब सेफ रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। प्रणाम।